इमरान खान का हकीकी आज़ादी मार्च जारी है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने बोलियो से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हकीकी आज़ादी मार्च में जिस तरह काम निकली ये मुल्की तारीख में पहली मिसाल होगी। हकीकी आज़ादी की तहरीक चलती रहेगी। हकीकी आज़ादी तहरीक का पहला कदम साफ शफाफ आम इंतखाबात हैं। जुल्म के निज़ाम को बदलना चाहते हैं, ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए कि ताकतवर जो भी करे उसे NRO मिल जाता है, गरीब पर जेल में तशद्दुद किया जाता है। मैं के जिस तरह की आवाम निकल रही है और निकलेगी और पहुंचेगी इस्लामाबाद, इसकी कोई पाकिस्तान में पहले मिसाल नहीं होगी इंशाल्लाह। और हमारा तो मकसद बड़ा सिंपल है, हम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हकीकी आज़ादी की तहरीक का स्टेप है इलेक्शन, उसके बाद है कि पूरी मुल्क के अंदर एक इंसाफ की तहरीक के ये जो जुल्म है कि ताकतवर जो मर्जी करे, यहाँ वो NRO भी ले ले, वो तशद्दुद भी करे, वो जेलों में बंद करके गैर कानूनी तौर पे लोगों को मारे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूँ, जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, इन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज रहेगा 24 घंटे साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। अपनी लॉन्ग मार्च की वीडियोस हमें इस नंबर पर भेजें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर वन पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।